तो दिल्ली विधानसभा में एक भी एमएलए कांग्रेस का नहीं है। अजय माकन को आपने सुना, वो नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा मांग रहे हैं और सोमवार से दिल्ली में बड़े आंदोलन की बात भी उन्होंने कही है। सीधे हम आपको लिए चलते हैं आम आदमी पार्टी के ऑफिस। इस वक्त हमारे साथ प्रतिमा मिश्रा एबीपी न्यूज संवाददाता वहां से जुड़ गई है। प्रतिमा, वहां से अभी आपको और क्या ताजा जानकारी मिल रही है? और दूसरी बात यह भी बताएं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन 3 बजे होना था आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्या इस बाबत कोई सूचना है आपके पास? जी अखिलेश, कुछ ही देर में सौरभ भारद्वाज मीडिया के सामने आएंगे और अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन इससे पहले एक जरूरी जानकारी आपको दे दें कि ऐसा बताया जा रहा है, पार्टी सूत्रों के हवाले से हमें ऐसी जानकारी मिल रही है कि करीब 4 ऐसे पॉइंट्स थे जिस पर इसी को अपना फैसला लेकर राष्ट्रपति के पास भेजना था। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो अधूरी सुनवाई की बात कही जा रही है वो इसको ही लेकर कही जा रही है कि उन 4 पॉइंट्स में जो मुख्य पॉइंट था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, उसके मसले पर सुनवाई पूरी नहीं हुई थी। ऐसे में ही पार्टी का तरफ से ये कहा जा रहा है कि सुनवाई जब पूरी ही नहीं हुई तो कैसे रिकमेंडेशन राष्ट्रपति के पास भेज दिया जा रहा है। तो इसी को कोर्ट में चैलेंज करने की तैयारी आम आदमी पार्टी की ओर से हो चुकी है और इसी को लेकर कुछ देर बाद सौरभ भारद्वाज भी मीडिया के सामने आने वाले हैं, जिस दौरान उनसे तमाम कई सवाल भी किए जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर जो पार्टी कोर्ट जाने का फैसला पार्टी ने किया वो इसी मसले पर किया है कि उनका कहना है कि 3-4 पॉइंट्स थे इस पूरे मामले में जिसमें से कुछ ही पर सुनवाई हुई है, बाकियों पर सुनवाई नहीं हुई है, जिसके चलते ये सुनवाई अधूरी मानी जाएगी। चलिए, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कहा जाता है इसमें, आपको एक बार चुनाव आयोग के ऑफिस में लिए चलते हैं। हमारे साथ अंकित गुप्ता एबीपी न्यूज संवाददाता लगातार वहां से जुड़े हुए हैं। अंकित, ये जो सिफारिश की चिट्ठी राष्ट्रपति को भेजी गई वो तो भेज दी गई, औपचारिक तौर पर कब इस बात का ऐलान किया जाएगा कि क्या फैसला रहा? जी, औपचारिक तौर पर राष्ट्रपति भवन से उसका ऐलान किया जाना है, लेकिन इस सबके बीच में जिस तरीके से प्रतिमा भी जानकारी दे रही थी कि आम आदमी पार्टी के विधायक के नेताओं की तरफ से, प्रवक्ताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनको मौका नहीं दिया गया। तो अखिलेश, आपको पहले ये बताना चाहूंगा कि करीबन चुनाव आयोग में 2 दर्जन बार इस मामले की सुनवाई हुई है, एक एक उनको मौका दिया गया, एक एक सुनवाई के दौरान उनको दस्तावेज, कभी उन्होंने कहा कि अभी हमारे दस्तावेज तैयार नहीं है, कभी कहा कि अभी हमको जो है डॉक्यूमेंट्स मिले नहीं हैं। इस तरीके से कई बार सुनवाइयां टली भी हैं, उसके बावजूद करीबन 1 दर्जन बार इस मामले की सुनवाई हुई है चुनाव आयोग में। और चुनाव आयोग में जो दो दस्तावेज इनके खिलाफ गए हैं, जैसी जानकारी मिल रही है, एक है आरटीआई का जो जवाब आया था जिसमें ये बताया गया था कि जो 21 विधायक, हालांकि अब 20 विधायकों का मामला है, तो 20 विधायक जिनको संसदीय सचिव बनाया गया था उन्होंने सुविधाएं का इस्तेमाल किया है, ये आरटीआई का जवाब आया था। दूसरा अहम दस्तावेज जो कि इनके खिलाफ गया है वो था दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट आई थी, जिसमें उन्होंने भी कहा था कि इन लोगों के लिए किस तरीके से पैसे खर्च किए गए और किस तरीके से सरकारी फाइलें को ये लोग पढ़ सकते थे। यानी कि चलिए अंकित, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। इस वक्त मेरे साथ कपिल मिश्रा जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के बागी विधायक। कपिल, क्या कहेंगे आज के इस पूरे घटनाक्रम पर आप? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट बात है, एक आदमी के लालच में 20 एमएलए की कुर्सी गई है, 20 विधानसभाओं की जनता के साथ धोखा हुआ है, और लालच कैसे किसी को अंधा कर देता है उसका ये उदाहरण है। इन 20 एमएलए ने ये पद कभी मांगा नहीं था, लेकिन केजरीवाल सरकारी सुविधाएं, दफ्तर, गाड़ी और पैसा देकर बाकी अन्य राज्यों में पार्टी का प्रचार करना चाहते थे, उसकी कीमत आज चुकानी पड़ी है। लेकिन कपिल, आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका नहीं मिला, जो सुनवाई हुई चुनाव आयोग में उससे असंतुष्ट है वो, सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है। सर, ये आपको और हमको सबको मालूम है जो भी इस खबर को फॉलो कर रहे थे कि कम से कम 25 बार चुनाव आयोग ने इन लोगों को बुलाया था, जवाब मांगे थे राइटिंग में, एक एक एमएलए को अलग अलग बुलाया था, एक एक एमएलए ने अपना अलग अलग वकील बना के खड़ा कर दिया था, वहां पे 20 एमएलए के 20 वकील भेजकर खड़े कर दिए गए थे, लेकिन जवाब कोई था ही नहीं। और जब चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट आई जिसमें कैसे दफ्तर दिए गए, गाड़ी दी गई, पैसा कितना खर्च हुआ, वो सारा डिटेल सामने आ गया, तो आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग को जवाब देना ही बंद कर दिया। चुनाव आयोग ने 3 बार उसके बावजूद भी नोटिस भेजा कि आप जवाब देने आइए, इन्होंने जवाब नहीं दिया है, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जिसमें सोनिया गांधी की भी कुर्सी नहीं बच पाई थी। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का ओपन एंड शट केस है, इन 20 सीटों पर चुनाव होना निश्चित है। लेकिन कपिल, दरअसल इस पूरे मामले में अब सवाल यह भी खड़ा होगा कि नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे, चूंकि उनके 20 सदस्यों की जो सदस्यता खा चुके हैं वो, उनसे नैतिकता की उम्मीद करनी बेमानी है। आपको और हमको सबको मालूम है कि केजरीवाल और नैतिकता के बीच में 36 का आंकड़ा है,
तो केजरीवाल इसमें कुछ नहीं करेंगे, केवल केंद्र सरकार को या बीजेपी को या एलजी को या चुनाव आयोग को गालियां देंगे, और बाद में जमानत जब होगी इन 20 सीटों पे, तब शायद उनको होश में आएगा कि उन्होंने जनता के साथ क्या किया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल मिश्रा एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। और आज किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम पल पल बदलता हुआ नजर आया है, इस बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगी मेरी सहयोगी रोमाना, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। रोमाना, केजरीवाल इस्तीफा दो, विपक्षी पार्टियां इस वक्त ये मांग कर रही हैं, सियासत पूरी तरीके से दिल्ली में गर्मा गई है और घटनाक्रम सियासी तौर पर किस तेजी से बदला, आज क्या कुछ हुआ, आइए जरा विस्तार से और सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं। केजरीवाल के 20 विधायकों की सदस्यता जा सकती है, चुनाव आयोग जिसने बैठक में ये फैसला ले लिया है, सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति को ये सिफारिश भेज दी है कि 20 विधायक दिल्ली में आम आदमी पार्टी के, उनकी सदस्यता की जाए, विधायकों की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश। सीधे आपको लिए चलते हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। वे कैमरा है, थोड़ा देखो पीछे वालों का नहीं आ रहा, तो तस्वीरें देख रहे हैं आप। सौरभ भारद्वाज मीडिया के सामने आ चुके हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। संकट में इस वक्त आम आदमी पार्टी, 20 विधायकों की सदस्यता किसी भी पल रद्द होने का औपचारिक ऐलान किया जा सकता है, और इस पर क्या कहेगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि सवाल सीधे सीधे आम आदमी पार्टी से पूछे जा रहे हैं। वो आम आदमी पार्टी जो लीग से अलग हटकर राजनीति करने के लिए, सैद्धांतिक राजनीति करने के लिए सत्ता में आई, अब क्या कहेगी सुनते हैं। आप साफ कीजिए, ऐसा मत कीजिए यार, ठीक है, तुम थोड़ा दूर हो जाओ, ठीक है, शुरू करें। एक मिनट, देखिए आज कई अखबारों के माध्यम, आज कई टीवी चैनल्स के अंदर ये खबर चल रही है, हमें भी बार बार फोन आ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने प्रेसिडेंट को आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के बारे में अपना जो फैसला था या रिकमेंडेशन थी वो राष्ट्रपति को भेजी है। अभी तक इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं आई है, सारा का सारा जो रिपोर्टिंग है वो सारी सोर्सेस के थ्रू हो रही है। सबसे पहले आप लोगों के लिए और सबके लिए जानना जरूरी है कि लाभ का पद क्या होता है। आरोप ये है कि किसी आदमी ने एक कंप्लेंट की है राष्ट्रपति को कि आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के पास लाभ के पद हैं। लाभ के पद क्या होते हैं कि उनके पास सरकारी गाड़ी है, उनके पास सरकारी बंगला है, या उनको तनख्वाह मिल रही है। मैं आप लोगों के माध्यम से और उन 21 विधायकों की क्षेत्रों के अंदर जो लाखों लोग रहते हैं उनके माध्यम से जानना चाहूंगा, क्या कभी किसी भी आदमी ने, क्या कभी इन विधायकों के कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहने वाले किसी एक भी आदमी या महिला ने या किसी भी पत्रकार ने कभी देखा हो कि इन 21 विधायकों के पास कोई सरकारी गाड़ी हो, या कोई इन्होंने सरकारी बंगला लिया हो, या कोई बैंक की स्टेटमेंट हो, कोई अकाउंट बुक हो, जहां पे ये पता चले कि इन विधायकों को एक रुपए की भी तनख्वाह इसमें मिली हो। ये जो पूरी की पूरी बात है इसको इलेक्शन कमीशन के आगे रखना था। अभी तक इलेक्शन कमीशन के आगे इस मामले की कोई सुनवाई शुरू ही नहीं हुई है। अभी तक सिर्फ जो सुनवाई हुई थी वो ये हुई थी कि क्या हाईकोर्ट के निर्णय के बाद, हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि ये लोग कभी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे ही नहीं, क्योंकि इनका जो नोटिफिकेशन हुआ था वो वैध नहीं था। इसलिए ये डिसीजन जो ये मामला है ये सिर्फ अभी तक सीईसी ने सुना था, इलेक्शन कमीशन ने सुना था कि क्या सुनवाई हो सकती है या नहीं हो सकती है। उसमें उन्होंने फैसला किया था कि हम सुनवाई करेंगे। पूरे विश्व के अंदर जहां पर भी इंक्वायरीज होती हैं, इंस्पेक्शन होती हैं, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती हैं, या किसी भी कोर्ट के या कमीशन के आगे कोई भी
इस तरीके की प्रोसीडिंग चलती है, तो उसके अंदर जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है, जो बिल्कुल बेसिक जो नेचुरल जस्टिस के नियम है, उसमें भी ये लिखा होता है कि जिस आदमी के ऊपर मुकदमा चल रहा है या जिस आदमी के ऊपर आरोप है, उनको एक मौका दिया जाएगा अपनी बात, अपने सबूत और अपने गवाह रखने के लिए। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने विधायकों को, विधायकों की गवाही नहीं हुई, विधायकों ने अपने सबूत नहीं रखे, विधायकों को अभी तक मौका नहीं दिया गया। अब बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर जो 1975 के गुजरात कैडर के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं मिस्टर ज्योति, जो मोदी जी के अंडर गुजरात सरकार के प्रधान सचिव रहे, उसके बाद उनके मुख्य सचिव रहे, उनका जन्मदिन जो है वो 23 जनवरी 2018 को उनका जन्मदिन है, और इस जन्मदिन के अंदर ही सारा का सारा विवाद और सारे की सारी जो ये कह सकते हैं सीक्रेट जो है वो ये है कि ज्योति जी का जो जन्मदिन है, 1953 में जन्मे ज्योति जी का जन्मदिन 23 जनवरी 2018 को है। 23 जनवरी 2018 को ज्योति जी 65 साल के हो जाएंगे। 65 साल के होने के कारण ना नरेंद्र मोदी जी ना ब्रह्मा जी उनको चीफ इलेक्शन कमीशन रख सकते हैं, तो वो सोमवार को रिटायर होने वाले हैं। इसके अंदर तीन लोगों ने सुनवाई की थी। रावत जी जो इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने अपने आप को रिक्यूज कर लिया। जैदी जी जो इलेक्शन कमिश्नर थे वो रिटायर हो गए। एक जो इलेक्शन कमिश्नर आए हैं उन्होंने आज तक सुनवाई नहीं की। तो सिर्फ और सिर्फ ज्योति जी हैं जो ये पूरा का पूरा निर्णय देना चाह रहे हैं, जबरदस्ती देना चाह रहे हैं, और पूरी की पूरी दिल्ली पे अपना ये निर्णय इसलिए थोपना चाह रहे हैं क्योंकि सोमवार को वो रिटायर हो रहे हैं। अभी तक जो सारी की सारी सुनवाई हुई थी वो सिर्फ इस बात पे हुई थी कि अगर हाईकोर्ट ने ये कह दिया है कि ये लोग पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कभी थे ही नहीं, तो ऐसे मामले में क्या उनके ऊपर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होने की सुनवाई हो सकती है या नहीं हो सकती है। देखिए विकल्प तो बहुत सारे हैं और सारे विकल्प खुले हुए हैं, मगर जो सबसे पहला विकल्प है ये है कि जनता से पूछा जाए कि भाई कभी आपने इनके पास गाड़ी देखी हो, आपने इनके पास सरकारी मकान देखा हो, किसी बैंक के अकाउंट के अंदर इनको एक रुपया भी मिला हो, तो आप लाभ के पद की बात करेंगे। कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, आप जबरदस्ती, क्योंकि आप रिटायर होने वाले हैं, आप अपना कर्ज मोदी जी को चुकाना चाहते हैं, तो आप इलेक्शन कमीशन जैसे संवैधानिक संस्थान को गिरवी रख के एक साजिश कर रहे हैं दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ। ये बहुत ही बहुत दुख की बात है और ये बहुत बड़ा मामला है। ये पद अपने आप में लाभ का पद होता है, बेशक आप गाड़ी ले या नहीं ले, ऑफिस ले या नहीं ले, आपने वो पद लिया था, आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आ जाते हैं। सौरभ इस्तीफा मांग रही है बीजेपी सीएम का। देखिए लाभ के पद की आप कहीं पे भी विकिपीडिया पे जानकारी ले लीजिए, किसी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने फैसले हुए हैं उनका आप देख लीजिए। लाभ के पद के अंदर ये बहुत जरूरी है कि लाभ तो हुआ हो, जो आदमी जिसका पद जो हुआ हो उसको हाई कोर्ट ने कह दिया हो ये पद कभी था ही नहीं, एब इनिशियो, ये नल एंड वॉइड है। आपको कभी गाड़ी नहीं मिली, बंगला नहीं मिला, ऑफिस नहीं मिला, एक रुपए की तनख्वाह नहीं मिली, अगर लाभ ही नहीं हुआ तो लाभ के पद के ऊपर आप चुने हुए लोगों को इस साजिश से हटा रहे हैं, ये बहुत बड़ा निंदा का विषय है। कोई नहीं था। हाईकोर्ट ने इस्तीफा मांग रहे हैं केजरीवाल के बयान पे, उनका कहना है एक आदमी हर विधायक के यहाँ 2-2 लाख वोटर होते हैं और करीब 5-5 लाख लोग हर विधानसभा में रहते हैं, 21 विधानसभा के लोगों में करीब करीब लगा लीजिए 1 करोड़ लोग होंगे, 1 करोड़ लोगों में से अगर एक आदमी भी आ जाए
जो कह दे कि ये गाड़ी विधायक को संसदीय सचिव होने पे मिली थी, या इस बंगले में ये विधायक संसदीय सचिव होने के बाद रहता था, या ये एक अकाउंट स्टेटमेंट थी जिससे एक रुपया भी इनको मिला है, तो मैं मानता हूं कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अभी तक जितनी भी सूचनाएं आ रही हैं वो ऐसे ही आ रही हैं जैसे ईडी की सूचना आती है सोर्सेस से, सीबीआई की सूचना आती है सोर्सेस से, अभी ईसी की सूचना आ रही है सोर्सेस से। ये पूरा का पूरा जो चुनी हुई सरकार है मोदी जी की और उनके नीचे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो सोर्सेज के थ्रू क्यों आम आदमी पार्टी के खिलाफ काम करते हैं? खुल के आए, आमने सामने आए तो हम भी बताएंगे कि क्या स्ट्रेटेजी है। अभी तक सारा मामला जो है वो सोर्सेज से ही आ रहा है। देखिए विधायकों के पास सभी तरीके के विकल्प खुले हैं, मगर ये तो पता चले कि मामला है क्या। ठीक है, तो ये सीधा हमला सौरभ भारद्वाज का मुख्य चुनाव आयुक्त पर भी और प्रधानमंत्री मोदी पर भी, अचल कुमार ज्योति पर उन्होंने आरोप लगा दिया मुख्य चुनाव आयुक्त पर कि साजिशन ये सब कुछ किया गया है और जल्दबाजी में फैसला लिया गया है। किसी भी संसदीय सचिव को ना कोई गाड़ी कभी मिली, ना ही उन्हें वेतन मिला, ना बंगला मिला, फिर वो लाभ के पद के दायरे में कैसे आ गया? ये सवाल भी सौरभ भारद्वाज ने खड़ा किया है। और सीधे लिए चलते हैं आपको बड़ी बातों के लिए सीधे रोमाना के पास। रोमाना, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं? तो बड़ी बातें क्या कही गई आम आदमी पार्टी की तरफ से, आइए जरा आपको बताते हैं। मौका था आम आदमी पार्टी का अपनी पक्ष में सफाई देने का, लेकिन उल्टे हमलावर आम आदमी पार्टी नजर आई। सीधे निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयुक्त पर आम आदमी पार्टी की तरफ से साधा गया। पहले तो कहा कोई विधायक लाभ के पद पर नहीं, एक तो यह सफाई आम आदमी पार्टी की तरफ से दी गई। साथ ही उनकी तरफ से बताया गया कि देखिए ना वेतन दे रहे थे, ना गाड़ी, ना बंगला लिया, फिर लाभ का पद कैसे हो गया संसदीय सचिव का ये पद, ये बात कही गई और सवाल खड़ा कर दिया गया। पीएम मोदी और चुनाव आयुक्त पर सवाल खड़ा किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। रिश्ते बता दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एके ज्योति के बीच में, जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, रिटायरमेंट से पहले सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फैसला थोपना चाहते हैं। ये बड़ा आरोप जो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया है कि रिटायरमेंट से पहले सीईसी फैसला थोपना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो मौजूदा सीईसी उस वक्त गुजरात के अंदर प्रधान सचिव रह चुके हैं, प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव रह चुके हैं, और किस तरीके से आरोप आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने लगाए हैं, आइए एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। आज कई टीवी चैनल्स के अंदर ये खबर चल रही है, हमें भी बार बार फोन आ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने प्रेसिडेंट को आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के बारे में अपना जो फैसला था या रिकमेंडेशन थी वो राष्ट्रपति को भेजी है। अभी तक इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं आई है, सारा का सारा जो रिपोर्टिंग है वो सारी सोर्सेस के थ्रू हो रही है। सबसे पहले आप लोगों के लिए और सबके लिए जानना जरूरी है कि लाभ का पद क्या होता है। आरोप ये है कि किसी आदमी ने एक कंप्लेंट की है राष्ट्रपति को कि आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के पास लाभ के पद हैं। लाभ के पद क्या होते हैं कि उनके पास सरकारी गाड़ी है, उनके पास सरकारी बंगला है, या उनको तनख्वाह मिल रही है। मैं आप लोगों के माध्यम से और उन 21 विधायकों की क्षेत्रों के अंदर जो लाखों लोग रहते हैं उनके माध्यम से जानना चाहूँगा, क्या कभी किसी भी आदमी ने, क्या कभी इन विधायकों के कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहने वाले किसी एक भी आदमी या महिला ने या किसी भी पत्रकार ने कभी देखा हो कि इन 21 विधायकों के पास कोई सरकारी गाड़ी हो, या कोई इन्होंने सरकारी बंगला लिया हो, या कोई बैंक की स्टेटमेंट हो, कोई अकाउंट बुक हो जहां पे ये पता चले कि इन विधायकों को एक रुपए की भी तनख्वाह इसमें मिली हो? तो अचल कुमार ज्योति, जो कि इस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, सोमवार को रिटायर होने वाले हैं, उन पर सीधा हमला किया है आम आदमी पार्टी ने और बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि यह सब कुछ पीएम मोदी के इशारे पर साजिशन किया गया। यह कहना सौरभ भारद्वाज का, और प्रधानमंत्री और अचल कुमार ज्योति के बीच किस तरह की नजदीकियां रही हैं पहले इसका भी उन्होंने हवाला दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी इन तमाम आरोपों को खारिज कर रही है और यह भी कहा गया
कि उनका पक्ष पूरी तरीके से नहीं सुना गया है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।